एग्जाम एक ऐसा पेपर जो नॉर्मल होता है, लेकिन टीचर्स उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जिसे सुन के किसी की भी फट जाए। तो बच्चों, तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, और बोर्ड्स को कोई ऐसा वैसा चीज समझने की गलती मत करना। अबे यार, कितना ड्रामा कर रहा है ये। हाँ तो मैं कह रहा था, इस एग्जाम में पहले तुम्हें बेसन में डुबोया जाएगा, फिर तुम्हारे पकौड़े तलेंगे। बोर्ड एग्जाम्स जिससे हर नॉर्मल बच्चा डरता है, सिवाय उन लोगों के जो लास्ट बेंच में बैठ के नशे कर रहे होते हैं। उधर टीचर कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन ये लोग अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं। पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, मैं तो बिजनेस करूंगा, वो भी मोमोस का, बहुत स्कोप है। करण गांजा गांजा करण। अब तुम्हारे स्कूल में एक ऐसा टीचर जरूर रहा होगा जो खुद के ट्यूशंस भी चलाता था। मेरे स्कूल में भी एक ऐसा टीचर था। अगले साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो ये लो मेरा कार्ड, कॉल मी एट इवनिंग। और तुम्हें पता है, इनका ये ट्यूशन वाला बिजनेस यहाँ पर खत्म नहीं होता। पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। हेलो सर। जी सर, बोलिए। क्या बताऊँ सर, तुम्हारा बच्चा बच्चा नहीं है, शैतान का बच्चा है। इससे ज्यादा बेहुदा बकवास घटिया बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। पर सर मैंने क्या। चुप रह सर, आप मेरे बेटे को ऐसे कैसे मार सकते हो। ये ले, तू भी चुप बैठ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा जिंदा टॉप करे एग्जाम में, तो ये लो मेरा कार्ड, कॉल मी एट इवनिंग। अब ऐसे टीचर जबरदस्ती तुम्हें उसके ट्यूशन में आने के लिए मजबूर कर देते हैं। हेलो। जी हाँ बोलिए मैडम। जी मैं ये पूछ रही थी, हमारा बेटा पढ़ तो रहा है ना। हमारा? अरे मतलब मेरा बेटा पढ़ तो रहा है ना। अरे जी जी, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है वो, बहुत अच्छे। अबे ठीक से दबाना। जी जी, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। वैसे सर फीस, आप फीस पूरी जमा कर दीजिए, बच्चा 90% से नीचे आएगा ही नहीं, और अगर आएगा ना बच्चा पैसा वापस। अब अगर तुम 9th से 10th क्लास में एंट्री मारते हो ना, तो कुछ बच्चे कूल डूड्स बन जाते हैं, भले ही क्यों ना वो 9th से पहले अपनी बेंटेन वाली वॉच फ्लेक्स करते थे। ये देखो मेरी नई बेंटेन वाली वॉच। अरे ये तो घड़ी है। और तुम्हें पता है, इसकी मदद से मैं कोई भी एलियन बन सकता हूँ। भाई तुझे एलियन बनने के लिए ना वॉच की जरूरत नहीं है। ये ले आईना, इसमें देख, तू पहले से एलियन है। और तुम्हें पता है ये कूल डूड्स लोग चीजें खरीदते कैसे हैं? पॉकेट मनी। और पॉकेट मनी तो छोड़ो, घर में अगर मैं 5 रुपए भी मांग लू ना, तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। मम्मी 5 रुपए दो ना, बिस्किट खानी है। ये ले बेटा 7 रुपए, कुत्ते वाली बिस्किट 7 रुपए में आती है। अब अगर तुम 10th में आते हो ना, तो तुम्हारे दोस्तों को मेमोरीज बनानी होती है। भाई यार ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी चीज यादगार नहीं होगी, हमें मेमोरीज बनानी चाहिए। एक काम कर, ये डस्टर ले और उसके सर पे मार दे, मेमोरीज बन जाएगी। ओ सही में, ये ले। भाई यार मैं तो मजाक कर रहा था, बट तुझे तो दिमाग लगाना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बनती है मेमोरीज। आपका बेटा ये कितना गंदा है, इसने मेरा सर फोड़ दिया। पर मम्मी मैं तो बस मेमोरीज बना रहा था। अरे तू पागल है क्या, ऐसे थोड़ी बनती है मेमोरीज, ये ले इससे बना। अब फाइनल एग्जाम से पहले स्कूल वाले कहते हैं कि फीस जमा कर दो, वरना बैठने नहीं देंगे एग्जाम में। सारे सुनो, जिस जिस बच्चे ने फीस जमा नहीं करी है, कल तक सब के सब फीस जमा करेंगे। पर सर मेरे बच्चे, मेरे पापा तो फ्रूट सेल करते हैं, हम गरीब है सर, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, हम फीस कैसे देंगे सर। पैसा नहीं है? अबे तूने मेरे को नेहा कक्कड़ समझाई क्या? ये ले, कल के कल फीस जमा करना, और अगर तूने फीस नहीं दिया बोर्ड एग्जाम तो भूल जा, बोर्ड फेंक के मारूंगा तेरे सर पे। अब तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले सारे लोग एक दूसरे को कॉल लगा रहे होते हैं। हेलो। हाँ भाई बोल, फोन क्यों किया? और बता भाई, तैयारी हो गई एग्जाम की? अरे ना भाई, मेरे को तो बुक्स भी नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या लिखूंगा एग्जाम में। यार इधर भी यही हाल हो रखी है। वैसे ये पेपर पलटने की कैसी आवाज है? अरे वो सुसाइड नोट लिख रहा हूँ यार, अब मैंने तैयारी तो की नहीं है, एग्जाम के बाद यही काम आ जाएगा। रहन दे भाई, वैसे तेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है किसी को समझ भी नहीं आने वाली। तो अब आ गया है मौत का दिन, एग्जाम का दिन। और ये कौन सा पंडित है जो शादी कुंडली देख के नहीं, डेट शीट देखकर डिसाइड करता है? एग्जाम के एक दिन पहले मेरे मोहल्ले में शादी हो रही थी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द पार्ट ऑफ द प्लांट विद ग्रो। अबे यार गाना बंद कराओ कोई। खैर अब सिर्फ 2 घंटे बाकी है एग्जाम को, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। मैं तो बस 5 मिनट का नैप ले रहा था, सुबह कैसे हो गई? तुम अपना मुंह धोते हो, तैयार होते हो और घर से बाहर निकलते हो एग्जाम देने के लिए, और तभी। अरे बेटा ये ले, दही चीनी खा ले। ठीक है मम्मी, पर जब मैं वापस आऊँ आप खीर बना दोगे?
अब जब तुम एग्जाम सेंटर पहुंचते हो तो वहां पर सारे बच्चे पागल हो रखे होते हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तुम अपनी क्लास में एंटर करते हो और वहां पर एक खड़ूस एग्जामिनर होती है। मैं आई कमिन मैडम। अंदर आने के बाद मैं आई कमिन बोलने का क्या फायदा है? अबे तू 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 आगे देख, एक मिलीमीटर आगे आया हूं मैं। खैर ये सारी चीजें मैंने अपने मन में बोली है, मुंह पे बोलता तो 4 साल का बैन लगा दूंगी तेरे पे। रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 7। जा फर्स्ट बेंच में बैठ। फर्स्ट बेंच नहीं यार, ये नाइंसाफी है। और बुरा इसलिए नहीं लग रहा था मुझे कि मैं फर्स्ट बेंच में बैठा था, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा फ्रेंड लास्ट बेंच में बैठ के चीटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, टीचर को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब तुम एग्जाम देने बैठ जाते हो लेकिन ये इनविजिलेटर, खड़ूस इनविजिलेटर, इसको तुमसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। सांस कैसे ले रहा है तू? 4 साल का बैन। 4 साल का बैन। 4 साल का बैन। अबे यार एग्जाम तो लिखने दे, पेपर पलट रहा हूँ, इसमें भी 4 साल का बैन। चुप। और तुम्हें पता है हर थोड़ी देर में एक आंटी आती है जो उसको खाने के लिए चीजें लाती है। मैडम पानी, मैडम समोसा, मैडम कचौरी, मैडम बिरयानी। खिलाओ। नहीं नहीं एक काम करो, 2-4 बच्चे भी दे दो, वो भी खा जाएगी। एग्जामिनर से पता नहीं कब सांड में बदल चुकी है, पता ही नहीं चला। So, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सबसे पहले कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस वीडियो का। और थैंक यू सो मच फॉर 14,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तुम लोग लकी हो यार क्योंकि तुम आगे चल के बोल सकते हो। इसको तो मैंने तब देखा था जब इसके 10,000 सब्सक्राइबर थे। So, ये नया चैनल है तो इस चैनल को सपोर्ट करते रहना और इस वीडियो को तुम शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए चल वे।